शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही, यहां पर झारखंड से बड़ी खबर है जहां पर गुमला में वोटिंग के दिन नक्सली हमला हुआ है। विष्णुपुरा विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों ने यहां पर पुल को उड़ा दिया है। हमले में हालांकि अच्छी खबर यह है कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हमले से मतदान पर अभी कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन डराने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इलाके में कॉम्बिन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। झारखंड में मतदान के बीच बड़ी खबर यह है कि गुमला जिले के विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों ने एक पुल को उड़ा दिया है। ये बताएं कि विष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, हालांकि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। गुमला के डिप्टी कमिश्नर शशि रंजन के मुताबिक हमले की वजह से मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। तो झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है, आज पहले चरण का मतदान है, ऐसे में नक्सलियों ने ये हमला किया है, पुल को उड़ा दिया है। अमित सिंह संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? पुल को उड़ाया गया है, इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि नक्सली बुरी तरीके से पस्त हो चुके हैं और भारी सुरक्षा कर्मियों के मुस्तैदी की वजह से कहीं कोई अभी तक अशांति की अभी तक कोई सूचना कोई खबर नहीं है, लिहाजा वो उससे हताश हैं और अपनी हताशा छिपाने के लिए वो एक असफल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुमला के विष्णुपुर जंगल के इंटीरियर में जाकर वो एक छोटा सा पुल उड़ाते हैं और वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई भय का कहीं कोई असर दिख नहीं रहा है। और बड़ी संख्या में, आप ये सोचिए कि सुबह 9 बजे तक 11% से ज्यादा मतदान हो चुका है और लोहरदगा में तो करीब करीब 12% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो आप समझ लीजिए कि शुरू के 2 घंटे में इतनी बड़ी संख्या में अगर मतदाता निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अब तक जो बिल्कुल सफल तरीके से ये मतदान हो रहा है, तो कहीं कोई डर भय नहीं है। सुरक्षा कर्मी तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स बड़ी संख्या में लगाई गई है, जो अति संवेदनशील बूथ है वहाँ इतनी बड़ी संख्या में फोर्स लगी हुई है कि कहीं कोई आशंका, कहीं कोई अनिष्ट की जो आशंका है वो बिल्कुल कम ना के बराबर है। तो बड़ी संख्या में फोर्सेस के वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सुचारू रूप से मतदान जारी है। जी अमित, और क्या वहाँ के लोग कह रहे हैं और कैसा उत्साह वहाँ के लोगों में दिख रहा है वोटिंग को लेकर? क्योंकि हालांकि आपने बताया कि यहाँ पर कहीं कहीं 11% तो कहीं कहीं 12% यहाँ पर मतदान हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग के दिमाग में क्या है, किन मुद्दों को ज़्यादा अहम मान रहे हैं जिसको लेकर वोट करने पहुँचे? देखिए, स्थानीय मुद्दे ही हावी हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, पलायन रुके, यही जो बेसिक इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं, इन्हीं पर वोट हो रहा है। और जिस तरीके से जो दल बदल की एक समस्या रही है, कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो अब कांग्रेस के स्तर पर हैं। लोहरदगा तो इसका दिलचस्प उदाहरण है, जहां पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने हैं, यानी सुखदेव भगत जो कभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब बीजेपी की टिकट पर जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर हुआ उनके सामने खड़े हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, भवनाथपुर जहां मैं इस समय हूँ, भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही जो एक जमाने में मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीते थे, अब वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प नजारा है, दूसरे राज्यों में ये बहुत कम देखने को मिलता है। दल बदल कोई नई बात नहीं है, हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन झारखंड इसका एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। 2000 से लेकर 2019 यानी 19 सालों के सफर में दल बदल एक तरीके से यहाँ की एक राजनीतिक, मैं कहूंगा कि राजनीतिक परंपरा बन चुकी है। तो बेसिक इश्यूज पे ही लोग वोट कर रहे हैं और तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से भी हुई, जेएमएम की तरफ से भी हुई, लोगों तक पहुंचने की, मतदाताओं से अपील करने की, लेकिन अब वो 23 दिसंबर को तय होगा, लेकिन फिलहाल जो है मतदान जो है वो सुचारू रूप से जारी है। जी शुक्रिया अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यहाँ पर नक्सलियों ने यहाँ पर घटना को तो अंजाम दिया है, डराने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है, कहीं पर 11% तो कहीं पर 12% तक मतदान अब तक हो चुका है।